नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर, रिया सिन्हा आपके साथ है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के एक युवक को थप्पड़ मारना और उसके फोन तोड़ना डीएम साहब को भारी पड़ गया। बताया आपको कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने इस पर संज्ञान लिया है और डीएम को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है और इसकी जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की। दरअसल हुआ यूं था कि सूरजपुर जिले के एक व्यक्ति को डीएम साहब ने थप्पड़ मारा था, फोन तोड़ा था, उसके बाद पुलिस कर्मियों से पिटाई भी खिलवाई थी, जिसके बाद उनका यह वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। शनिवार की इस घटना के बाद पूरा देश थू थू कर रहा था और छत्तीसगढ़ के सीएम से यह रिक्वेस्ट भी किया जा रहा था कि इस डीएम को जल्द से जल्द रिप्लेस किया जाए, हटा दिया जाए। जिसके बाद जब यह वीडियो सीएम के पास पहुंचा तो उन्होंने इस पर संज्ञान लिया है। उन्होंने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की। ट्वीट कर उन्होंने लिखा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से सूरजपुर कलेक्टर रणवीर शर्मा द्वारा एक नव युवक से दुर्व्यवहार का मामला मेरे संज्ञान में आया है। यह बेहद दुखद और निंदनीय है। छत्तीसगढ़ में इस तरह का कोई कृत्य कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर रणवीर शर्मा को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं और उन्हें हटा दिया गया है। तो तत्काल प्रभाव से हटाए गए हैं थप्पड़बाज डीएम साहब। और इससे पहले उनकी जानकारी हम आपको दें तो जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया उसके बाद रणवीर शर्मा ने खुद एक वीडियो जारी कर माफी भी मांगी थी। हालांकि माफी उन्होंने जो सिचुएशन था उसको देखकर मांगा, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि अब देश की जनता उन पर गुस्सा कर रही है और इसका प्रभाव उनकी नौकरी पर भी पड़ सकता है। और अब वहां के सीएम यानी कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने यह संज्ञान लिया है, उन्हें तत्काल प्रभाव से फिलहाल हटा दिया गया है। यह निंदनीय घटना शनिवार की है, जहां पर शनिवार को एक नाबालिग युवक के साथ उन्होंने ये बर्ताव किया था। पूरा देश उन पर थू थू करते नजर आ रहा था। ट्विटर पर भी उनके बारे में खूब बातें लिखी जा रही थी और अब इसके बाद यह संज्ञान ले लिया गया है। उनकी माफ़ी मांगने का कोई असर नहीं पड़ा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। भैया कहाँ गए? भैया भैया।